खबर सीहोर जिले के लाड़कुई से है, जहां ग्राम रफीजगंज में दो परिवारों में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल ग्राम रफीजगंज में सरकारी जमीन से रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठी डंडे कुल्हाड़ी और पत्थर चलने लगे। इस विवाद में करीब 7 लोगों की चोटें आई हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लड़ाई को लाया गया है। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सीहोर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रफीगंज का विवाद जो है आपसी मारपीट का मामला है, ज्यादा तो खैर जांच पुलिस ही बता पाएगी कि मामला क्या है, लेकिन घायल अवस्था में 3:38 पे घायल उपचार के लिए आए थे और कुछ घायल जो है 4 बजे के लगभग। कितने लोगों को चोट आई है? इसमें कुल मिला के 7 लोगों को चोट आई है, जिसमें से शायद अलग अलग परिवारों के हैं लोग, 2 अलग अलग परिवारों।